कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए टिकट वितरण को लेकर पक्षपात का आरोप लगाते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष केश चौहान ने कहा कि छन्नी साहू का टिकट सिर्फ इसलिए काटा गया क्योंकि सदन में उसने अपनी आवाज में तल्खियत दिखाई थी। साथ ही भिलाई में किए गए टिकट वितरण को लेकर ईडी की कार्रवाई की बात कहते हुए प्रत्याशियों को आड़े हाथों घेरा। कांग्रेस ने छन्नी साहू की तो टिकट काट दी क्योंकि उन्होंने जनता के हित में अपने ही पार्टी के खिलाफ सदन में बोला था और ये बोला था कि मैं टीएस सिंहदेव की समर्थक हूं, लेकिन किसी ईडी के आरोपी की टिकट नहीं काटी। 11 आरोपी बनाए गए थे रानू साहू की जब चार्जशीट पेश हुई तो न्यायालय में, उसमें से 2 विधायक थे। जिस अब आप बोलेंगे कि चंद्रदेव राय की जो टिकट कट गई है, अरे भाई चंद्रदेव राय जी आज से 2.5 साल पहले दिल्ली की परेड में नहीं गए थे, वो फर्श में बैठ के किसी बड़े नेता के, दिल्ली के बड़े नेता के पांव नहीं पकड़े हुए थे। इस चाटुकारिता के कारण उनको टिकट मिली है। कोई भिलाई की जनता को बहुत ज्यादा उन्होंने समर्पित होकर भाव से उन्होंने काम किया है, इस वजह से टिकट नहीं मिली है। और जो आप जाते हैं आराधना करने के लिए, आपके देवता क्षेत्र वाइज बदलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने देवताओं के अपनी आराधना शैली को बदलते रहती है। जहां भी मुस्लिम वोटर्स 15% से कम है वहां पर आप कांवड़ यात्रा निकालेंगे, वहां पर आप बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे, वहां पर तरह तरह के नौटंकियां करेंगे, लेकिन भिलाई की जनता सब जानती है कि आप वोट की राजनीति के लिए ये सब चीजें करते हैं और कुछ नहीं।